क्या अब भी मुनावर और मनारा की दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें इनकी दोस्ती की एक अग्नि परीक्षा जो है ना इनको कहीं ना कहीं देनी ही पड़ेगी। अब कुछ ऐसा टास्क हुआ जिसमें मुनावर यहाँ पर मनारा के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने एक नहीं दो दो बार अंकिता को चूस कर लिया। फिलहाल कहीं ना कहीं ये टास्क एक हिसाब से सही भी है, अगर कोई किसी के साथ जेन्युइनली यू नो दोस्ती में होता है तो कुछ चीज़ों को आपको समझना चाहिए, तो यहाँ से चीज़ें पता चलेंगी। करण कुंद्रा और मोनी रॉय आते हैं, उनका नया शो आने वाला है टेम्पटेशन आईलैंड इंडिया, जिसमें दोनों होस्ट करते हुए नजर आएंगे। करण कुंद्रा क्या हॉट लग रहा था बंदा। फिलहाल यहाँ पर अब जब ये आते हैं ना तो सबसे पहले मुनावर को बुलाते हैं, एक तरफ मनारा दूसरी तरफ अंकिता। सबसे पहला सवाल होता है मुनावर से कि कौन तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा, तो वो अंकिता का नाम लेते हैं कि अंकिता ऑफकोर्स स्टैंड नहीं लेगी। तो इस जवाब से मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ, और उनका जो मुंह है वो यहाँ पर बाउल होता है, ठंडा पानी होता है, उसमें डुबाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा सवाल होता है, सवाल ये है कि गेम में टिकने के लिए किसको सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर मुनावर मनारा का नाम लेते हैं, इनफैक्ट मनारा खुद भी एक्सेप्ट करती है। अब वो सरकाजम हो सकता है या क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मनारा एक्सेप्ट करती है कि हाँ मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आगे ही देखना होगा कि मनारा किस तरीके से रिएक्ट करती है। सबसे तगड़ा सवाल तो लास्ट वाला होता है, जिसमें कहीं ना कहीं सलमान भी मनारा को थोड़ी सी चिंगारी लगाने की कोशिश करते हैं कि देखो मुनावर ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो सवाल ये होता है कि मतलब इन दोनों में से आपका रत्ती भर भी कोई, मतलब इन दोनों में से रत्ती भर ये इंसान कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पर मुनावर इसमें भी मनारा का ही नाम ले लेते हैं। तो उसके बाद सलमान खान यहाँ पर मनारा को कहते हैं कि अरे इसने बोल दिया कि तुम रत्ती भर भी कंपटीशन नहीं हो, और मनारा तुम्हारी जगह पर होती तो अंकिता फौरन बोलती कि चुल्लू भर पानी में डूब जाती, इस तरीके की वो बातें कहते। तो मनारा कहती है कि टाइम आएगा तो चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सारी चीज़ों के बाद मुनावर मनारा की जो दोस्ती है वो सही तरीके से सामने आएगी। ये गेम के लिए थी या रियलिटी के लिए थी, वो सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो कहीं ना कहीं ये टास्क मुझे सही लगा, क्योंकि एक तरफ अंकिता दूसरी तरफ मनारा, तो ये सारी चीज़ें सही लगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक तरफ अंकिता और दूसरी तरफ खानजादी होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। फिलहाल आपका क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।